कुछ भी कहने से हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप। आइए बैठिए। लीजिए, ले लीजिए, अच्छा लगेगा आपको, मीठे से शौक और घबराहट कम हो जाती है। थोड़ा सा पी लीजिए। अब बताइए। मैं ऑफिस से घर जा रही थी। आजकल जमाना बहुत खराब है, किसी का भरोसा नहीं रहा। यही चिंता हमें भी लगी रहती है, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं? मानते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता गायत्री बहन। क्या जरूरत थी अक्षरा को ऐसे रात के समय वो भी अकेले आने की? ब्याह से पहले भी जरा देर करती तो मैं कितना डांटा करती थी उसे। कभी भी अंधेरे में हमने उसे बाहर नहीं जाने दिया, और अकेले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमेशा भोला को साथ भेजती थी। यही चिंता तो हमें लगी रहती है राजश्री बहन। उस दिन भी बहू दफ्तर से देर रात को लौटी थी तो हमने समझाया था कि आगे से समय पर ही आए। मैं मानती हूँ जमाना बदल गया है, अब लड़कियों को घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन जमाने की नजरों का क्या भरोसा। आज भी लोग बुरी नजर से देखते हैं लड़कियों को, खास तौर से उन्हें जो देर रात को अकेली कहीं आए जाए। अब बहू समझदार है, सयानी है, फिर उससे ऐसी गलती। इसमें अक्षरा की क्या गलती है आंटी जी? और दुर्घटना तो किसी के भी साथ हो सकती है ना, कभी भी कहीं पे भी, फिर चाहे वो किसी के साथ हो या नहीं। हम औरतें हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें बाहर निकलना बंद कर देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब एक लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो लड़की को अकेले बंद कर दिया जाता है, कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, जबकि होना तो यही चाहिए कि लड़के को बंद कर देना चाहिए ताकि वो बाहर किसी भी लड़की को परेशान न कर सके। बिल्कुल सही कह रही है वर्षा, हर बात का दोष हम लड़कियों पर क्यों डाल देते हैं? दुनिया की नजर बदलने से पहले हमें अपना नजरिया बदलना होगा, खासकर हम औरतों को। मान लो ये दुर्घटना हम में से किसी के साथ हुई होती तो हमें समझना होगा कि इसके हम जिम्मेदार नहीं है। अक्षरा को दोष देने से पहले बड़ी बहू तुम्हें उसकी पीठ ठोकनी चाहिए थी। तीन आदमियों के सामने हमारी बच्ची ने अकेले लड़ने की हिम्मत दिखाई और जैसे तैसे खुद को बचा लिया। ये बात बिल्कुल सही है, हमारी बहू बहादुर है, हमारे को गर्व है उस पे। मुझे भी दादाजी, और मैं चाहूंगी कि मैं भी अपनी अनन्या को अक्षरा के जैसा ही बनाऊं। वर्षा बेटा, सिर्फ अनन्या है क्या? हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि हम देश की हर बेटी को ऐसा बनाएं। खबरदार, बहू के आते ही किसी ने कुछ कहा तो, या उसे एहसास दिलाने की कोशिश की कि उसने कोई गलती की है। हमारे ख्याल से तो हम सबको अक्षरा को शाबाशी देनी चाहिए ताकि उसकी हिम्मत बढ़े और उसके अंदर जो अपराध भावना है उस व्यक्ति को लेकर वो कम हो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया इंस्पेक्टर। मुझे 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 समझ नहीं आया वो कहाँ से मेरी गाड़ी के सामने आ गया। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या मुझे? कुछ नहीं होगा आपको, घबराइए नहीं, आप इन्हें घर ले जाइए, जरूरत पड़ी तो कल हम इन्हें बुला लेंगे। मैडम आप इस पर साइन कर दीजिए। साइन कीजिए। साइन कीजिए। Thank you.
हम नरेश के बारे में आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। आइए अक्षरा, तो बहुत बहादुर है अक्षरा, हमें तुझ पे गर्व, हम सबको आप पे गर्व है अक्षरा। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग चिंता मत करो, बस आप लोग जल्दी से भाभी को लेकर आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, नहीं हम लोग यहाँ सब संभाल लेंगे जी। अभी जस्ट बात हुई है, वो लोग बस पहुंच ही रहे हैं। फूफा जी। हाँ बेटा। मम्मा आ रही है। हाँ बेटा, मम्मा आ रही है। मैं बहू के लिए कुछ बना देती हूँ। उसका अष्टमी का व्रत था, कितने समय से उसने कुछ नहीं खाया होगा। मम्मा आएगी ना तो उनको ज्यादा परेशान मत करना, मम्मा थकी हुई है ना, उन्हें आराम करने दो। ओके लल्ला, किसी भी बात की जिद मत करना, तेरी मम्मा को चोट लगी है। ओके दादी। मैंने माता जी से प्रे किया था कि आपको जल्दी से भेज दिए और उन्होंने भेज दिया। ये भाई साहब, बेटा क्या हुआ वहां? Proud of you, अक्षरा। बहादुर है तू, जो ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल आई। पर वर्षा, वो आदमी मेरी गाड़ी के नीचे। अक्षरा जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्यों खुद को दोष दे रही है? हाँ, तू ये सोच, जो भी हुआ ना, माँ दुर्गा ने किया, उनकी शक्ति थी तेरे अंदर। बहू सो पाई रात को? नहीं माँ, डर के मारे पूरी रात जागती रही, काफी परेशान थी।
अस्पताल से किसी का फोन आया था? नहीं बाबूजी, मैंने खुद ही इंस्पेक्टर साहब को फोन कर लिया था। उन्होंने कहा है कि बाद में बताएंगे। उसका बचना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी। हाँ बाबूजी, इंस्पेक्टर साहब भी बिल्कुल यही कह रहे थे और मैं भी चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए, नहीं तो अक्षरा जिंदगी भर इसी गिल्ट में रहेंगी कि उनकी वजह से किसी और का नुकसान हुआ। दादाजी, कैसा इंसाफ है भगवान का, जिसे हमें सजा देनी चाहिए उसी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। बेटा, सजा देना हमारा काम ना, उसके लिए कानून है। मैं थारी भावनाओं को समझ सकूंगा बेटा। माँ, चाय पीनी है? तू बैठ, मैं देती हूँ। सिर्फ चाय मत पी, कुछ खा ले बेटा। लल्ला, तेरे लिए चॉकलेट वाला मिल्क आ रहा है। हाँ दादी, तब तक मैं भी एक बिस्किट ले लूँ। हाँ राजा, ले ले। नैतिक, हॉस्पिटल से कोई खबर आई क्या? नहीं अक्षरा, अभी तो कुछ भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब का फोन है। प्लीज स्पीकर पे कीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, अब उसकी तबीयत कैसी है? अभी अभी बात हुई है मेरी डॉक्टर से, उस आदमी की तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ गई, बचने की उम्मीद काफी कम है। जैसे ही उसके बारे में कोई जानकारी आएगी मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स इंस्पेक्टर साहब। हमारे लिए दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब ठीक है, लेकिन अभी वो ठीक नहीं है। ऐसी बातें भूलने में वक्त तो लगता है ना आंटी जी। सो तो आई छोटी दुल्हन। माँ का फोन है। जी माँ, वो उठ गई है। हाँ शौर्या, बेटा आज कन्या पूजन के लिए अनन्या को लाना था। जी आंटी, मैं जाके ले आता। और बेटा, वर्षा को भी साथ ले जा। जी आंटी। आप कुछ कहना चाहती हैं अक्षर? जो भी मन में है कह दीजिए अक्षर, सही गलत के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नैतिक, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। अगर मेरी वजह से उसे कुछ हो गया ना नैतिक, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फोन की घंटी बजने से भी डर लगता है कि पता नहीं क्या खबर सुनने को मिलेगी। ये मुझसे क्या हो गया नैतिक? अक्षर सबसे पहले तो खुद को दोष देना बंद कीजिए। कल से सब लोग आपको बस यही समझा रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपने जानबूझ के थोड़ा कुछ किया है। जानबूझकर उसे मारा नहीं आपने, लेकिन अगर आत्मरक्षा के लिए किसी को भी ऐसा करना पड़े तो कोई उसे दोषी नहीं मानता है। अक्षर, आपसे तो लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि कभी ऐसा वक्त आए तो वो हिम्मत दिखाए, अपनी इज्जत, अपनी जान की रक्षा कर सके। और किस बात के लिए आप अपने आप को दोष दे रही हैं? ये तो आपकी अच्छाई है अक्षर कि उस आदमी ने आपके साथ जो बदतमीजी करने की कोशिश की, उसके बावजूद आप उसे हॉस्पिटल लेकर गए। उसकी करनी उसके साथ है और हमारी हमारे साथ। हम अगर उसकी जान नहीं बचाते ना, या फिर उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, तो शायद कभी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाते। अगर ऐसा है तो फिर इस नेक काम के बाद आपका सर गर्व से ऊंचा क्यों नहीं है? आपकी आंखें झुकी हुई क्यों है अक्षरा? किससे बात करने से आप क्यों कतरा रही हैं? खुद से नजरें मत चुराइए, बल्कि अपनी पीठ ठोकिए। मैं जानता हूं इंसानियत के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक जिम्मेदारी
हमारे खुद के पति भी हैं और ये कभी मत भूलेगा। नहीं ठीक हुई होगी वो, अब तक अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। देखिए शौर्य की माँ, हम जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारी बेटी बहुत बहादुर है, वो इस सबसे बाहर निकल आएगी। जी बाल गोपाल करे ऐसा ही हो, लेकिन जब तक वो आदमी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, अक्षरा खुद को ही दोषी मानती रहेगी। उस पर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अगर उसकी वजह से किसी और को जरा भी तकलीफ हो वो ये नहीं बर्दाश्त कर पाती। हमें अपने बच्चों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, खास तौर से बेटियों की। बिल्कुल सही कह रहा है ओमी, अक्षरा ने हिम्मत भी दिखाई और किस्मत ने भी उसका साथ दिया। जमाना दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, हमें अपनी बच्चियों को आत्मरक्षा करने के लायक बनाना ही पड़ेगा। दादी मम्मा कब आएंगी? मुझे बुआ के घर जाना कन्या पूजन के लिए, और देखो मैं अभी रेडी भी नहीं हुई हूँ। मैं तुझे तैयार कर देती हूँ, फिर शौर्य को कहूंगी तुझे आके ले जा। दादी हम कन्या पूजन नहीं करेंगे आज। मेरा तो कुछ मन नहीं हो रहा है करने का, और बेमन से करके क्या फायदा। बेमन से नहीं माँ, पूरे मन से करेंगे। माँ दुर्गा ने अक्षरा को सही समय पर हिम्मत दी, तो क्या माँ का धन्यवाद नहीं करेंगे हम? अक्षरा ठीक है और पहले से बहुत बेहतर है, और घर में सब उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा उसे नॉर्मल होने में। माँ हम कन्या पूजन की तैयारी करते हैं, क्या बनाएंगे? बेटा जो तुझे और छोटी को ठीक लगे बना लो, मैं माता रानी से क्षमा मांग लूंगी। सच मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। क्या सोच रहे? यही कि कितनी सही बात कही आपने, हर किसी को ना अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाना चाहिए, शरीर से ही नहीं दिमाग से भी, और लड़कों को जिम्मेदार और औरतों की इज्जत करना सिखाना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम ना, ये बुराई जड़ से ही उखड़ जाए। अक्षरा अक्षरा हम अपने बेटे को भी ना बहुत अच्छे संस्कार देंगे, ताकि वो हर किसी की इज्जत करेगा। क्या हुआ शौर्य, क्या चाहिए? मेरी ब्लैक वाली फाइल नहीं मिल रही। अरे यहां तो रखी है। शौर्य प्लीज संभालिए खुद को। कैसे संभालूं अपने आप को, जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है उसने, और मैं चुपचाप बैठा हूं। शौर्य लेकिन की बात मैं भी समझती हूँ, पर आप इतना तो सोचिए, अक्षरा की भलाई के लिए उस इंसान का बचना बहुत जरूरी है। हाँ एक बार बच जाए कि मेरी बहन पे कोई आंच ना है, उसके बाद नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। आओ नन्या, चलो मैं जल्दी से आपको रेडी कर दूं। मम्मा पापा किस पे गुस्सा थे? मैंने अभी अभी सुना वो बोल रहे थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बेटा उस दिन आपकी बुआ अकेले ऑफिस से घर आ रही थी, तो बैड मैन और उसके फ्रेंड्स ने आपकी बुआ को डराने की बहुत कोशिश की, और उन्हें हार्म करने की भी कोशिश की, लेकिन आपकी बुआ डरी नहीं, उन्होंने उनसे जमकर फाइट की और सेफली घर वापस आ गए। वाओ बुआ तो सच में बहुत ब्रेव है ना मम्मा। हाँ बेटा, और मैं चाहती हूँ कि आप भी बड़े होकर बुआ की तरह बिल्कुल ब्रेव बनो। मम्मा वो सब लोग इतने सैड क्यों थे, और बुआ भी? बेटा वो जब आपकी बुआ फाइट करके वापस आ रही थी ना, तो गलती से उनकी कार से बैडमैन का एक्सीडेंट हो गया और उसे चोट आ गई। वो तो कौन उसको पनिश किया मम्मा? बड़ी दादी कहती है कि जो भी कुछ गलत करता है तो उसे गॉड पनिश करता है। मम्मा हम मुझे जल्दी से रेडी कर दो, फिर मैं बुआ के घर जाके बुआ को समझा दूंगी। ठीक है आ जाओ। बहू चल बहू तू जल्दी से तैयार हो जा, फिर कन्याएं आ जाएंगी और हमारी तो तैयारी अब तक पूरी तरह से नहीं हुई है। बहू उन्हें देने के लिए जो उपहार खरीदे थे उन्हें पैकेट में डाल दिया? मैं तो भूल ही गई माँ, अभी जल्दी जल्दी करती हूँ, हो जाएगा। बहू अभी कुछ समय तो है बेटा, हम सब मिलजुल के कर लेंगे। जी माँ, नैतिक आप गिफ्ट्स पैक करने के लिए मेरी मदद कर दीजिएगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी प्रसाद बना लूं। ओके मैम।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।